हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ने क्रॉस कर लिए हैं 1 लाख सब्सक्राइबर। दैट इज अ वेरी बिग डील एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो कुछ मीठा तो बनता है। मीठा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चॉकलेट्स। इनको घर पर बनाना बहुत ही इजी है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर ये चॉकलेट्स लग रही हैं। खाने में भी उतनी ही ज्यादा टेस्टी हैं। आप इस टाइप से घर में चॉकलेट्स बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ही ज्यादा सस्ती भी पड़ जाती हैं। तो पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पर जो गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। उस वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसको जरूर चेकआउट करें और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हमारे आज के वीडियो। इतनी सुंदर सुंदर चॉकलेट्स घर में बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डार्क कंपाउंड। मोड का डार्क कंपाउंड यूज कर रही हूँ। ऑनलाइन आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड होता है इसमें इस टाइप के 4 पीसेस होते हैं जिसमें से मैं ऑलरेडी यूज भी कर चुकी हूँ और ये आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता भी पड़ जाता है। केवल 85 या 100 रुपीज का आता है। उसी टाइप से ये व्हाइट कंपाउंड भी आता है। ये आई थिंक 135 रुपीज का आता है। उसको भी आपको इसी टाइप से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैं इसको इस तरीके से कट कर लूंगी क्योंकि ठंड चल रही है तो थोड़ा सा इसको कट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको फ्रीज में ना रखें, बाहर ही रखें। उसके बाद इस टाइप से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लें। अब जब यहाँ पर हमारे दोनों चीजें अच्छे से कट हो जाएं तब तक आप एक बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रख दीजिए क्योंकि हम इसको डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मेल्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पानी इसमें आधा है, मींस बर्तन जिसमें चॉकलेट रखी है वो बिल्कुल भी पानी से टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज चॉकलेट खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस बर्तन को इसके ऊपर रख लीजिए और हल्के हल्के स्पून से इस टाइप से चलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से हमने व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर लेनी है। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा इसको हीट ना करें। जब इसके अंदर थोड़े थोड़े से पीसेस रह जाएं तभी आप इसको गैस से उतार लीजिए क्योंकि काफी गर्म रहती है तो बाद में भी ये मेल्ट हो जाती है उसी हीट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और डार्क चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। चॉकलेट्स को अच्छी अच्छी शेप देने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ सिलिकन मोल्ड का। आपको इस टाइप के मोल्ड्स ऑनलाइन और भी बहुत अच्छी अच्छी शेप में मिल जाते हैं। चॉकलेट जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इस तरीके से उसको फेंटे, जरूर 1 मिनट तक इस तरीके से फेंट लें ताकि इसमें काफी अच्छी शाइन आ जाए। उसके बाद आपको इसे इस तरीके से इन मोल्ड्स में फिल कर देना है और ध्यान रखिएगा कि इसको पूरा ऊपर तक फिल कीजिए ताकि इसकी शेप काफी अच्छी आए। अब क्योंकि सिलिकन मोल्ड यूज कर रहे हैं तो इनमें से चॉकलेट्स निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट फिल कर दी है। अब ये जो व्हाइट चॉकलेट है इसको भी एक बार इस तरीके से चला लीजिए ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए और इसको भी इसी तरीके से आपको मोल्ड्स में फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से फिल कर रही हूँ। तभी मुझे याद आया कि मुझे डबल शेड में भी चॉकलेट्स बनानी थी। तो मैंने क्या किया कि जो डार्क चॉकलेट थी पहले उसको जो अदर मोल्ड्स हैं उसके अंदर फिल कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी से ये सारी की सारी चॉकलेट सेट हो जाएं। तो क्योंकि मैं इसको डबल शेड में बना रही हूँ और ऊपर की साइड में चॉकलेट फ्लेवर आएगा तो इसलिए पहले चॉकलेट फ्लेवर फिल कर दिया है हाफ। उसके बाद ये जो व्हाइट चॉकलेट है इसको भी आपको फिल करना है। तो पहले सारे व्हाइट चॉकलेट्स के फिल कर लेते हैं, तब तक जो डार्क चॉकलेट वाला हाफ फिल्ड है वो हल्का सा सेट हो जाएगा। चॉकलेट फिल करने के बाद हल्का सा टैप जरूर करें ताकि इसमें कोई भी स्पेस ना बचे, अदरवाइज चॉकलेट का डिजाइन परफेक्ट नहीं आएगा। तो 2-3 मिनट में ये डार्क चॉकलेट भी अच्छे से सेट हो गई थी। अब मैं इसके ऊपर ये व्हाइट चॉकलेट फिल कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि दोनों चॉकलेट्स एक साथ कभी भी फिल ना करें, अदरवाइज ये दोनों मिक्स हो जाएंगी और आपका वो परफेक्ट डिजाइन नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट का टाइम दे दिया था सेट होने के लिए। तब तक वो डार्क चॉकलेट हल्की सी सेट हो गई थी। तो बस एक बार इसको और अच्छे से टैप कर लें और इसे 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जस्ट आपको बैक साइड से हल्का सा इसको उठाना है इस तरीके से और आपकी चॉकलेट्स बिल्कुल परफेक्टली बाहर आ जाएंगी। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसके अंदर जो ये रोज डिजाइन है, फ्लावर्स डिजाइन है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं और कोई बिलीव भी नहीं कर पाएगा कि इतनी सुंदर सुंदर चॉकलेट्स आपने घर में बना ली हैं।
तो है ना ये बहुत ही ज्यादा इजी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ डबल शेड वाली। जस्ट लुक एट दिस, वाओ इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप घर में इतनी सुंदर सुंदर चॉकलेट्स बना सकते हैं। कोई भी ओकेजन होता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस तरीके से गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर लगती है देखने में। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी टाइप के और भी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिया होता है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जब आप इस टाइप की चॉकलेट बनाते हैं तो जो मेल्ट हुई हुई चॉकलेट होती है वो कुछ बच भी जाती है, तो उनसे आप बना सकते हैं सुंदर सुंदर से चॉको चिप्स, जैसे कि मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के चॉको चिप्स आप बना सकते हैं। और अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ वो भी जरूर शेयर करूंगी। देखने में बहुत क्यूट लगते हैं और जो चॉकलेट बची है उसका भी यूज हो जाता है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस तरीके से आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन चाहे तब निकाल कर खा सकते हैं।